हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 7 बज रहे हैं और आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ मैं, तो मेरे सारे काम जल्दी से हो चुके हैं और 7 बजे तक पूजा भी हो चुकी है, क्योंकि आज दिन मंगलवार का है। तो इस आषाढ़ महीने का ये लास्ट मंगलवार है और इस मंगलवार के दिन मैं आज ना देवी के लिए नैवेद्य बनाने जा रही हूँ। जो मरई देवी रहती है, यहाँ पर हर गाँव में रहता है वो मंदिर, छोटा सा मंदिर रहता है मरई देवी का, तो वहाँ पर भोग लगाने के लिए मुझे फटाफट से सारे काम करने हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, भीड़ भी रहती है, तो फटाफट से करके हम वहाँ पर नैवेद्य लेके जाएंगे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं तुलसी जी के लिए जल लेके जा रही हूँ बाहर। बाहर तुलसी माता का वृंदावन है, तो यहाँ पर और बाहर रंगोली मैंने बना ली है सुबह जल्दी ही, और मेन गेट निकाला हुआ है, क्योंकि दीपक अभी भी बाइक लेकर नारियल वगैरह लाने गया है। पूजा में जो सामान लगने वाला है वो सब लाने गया है वो, तो मैं भी बाहर नहीं गई तो गेट वैसे ही रह गया। तो यहाँ पर मैं फटाफट से नैवेद्य बना ली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 9 बज रहे और मेरी पूजा हो चुकी है और मैं फटाफट से अब बनाने जा रही हूँ। भोग की तैयारी में हूँ मैं। आज दिन मंगलवार का है, तो आज मंगलवार के दिन यहाँ पर देवी है मरई देवी, उनको भोग लगता है। मंगलवार या शुक्रवार इस महीने का मंगलवार या शुक्रवार आता है ना, तो उस दिन ये भोग लगाया जाता है और काफ़ी सारी भीड़ भी रहती है, तो इसीलिए फटाफट से बनाकर चले जाते हैं। फिर बाद में आते हैं तो रेडी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है, क्योंकि इस महीने के मंगलवार या शुक्रवार के दिन ही वहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो आज लास्ट मंगलवार है इस महीने का, तो आज मैं नैवेद्य में बनाने जा रही हूँ फीकी दाल, चावल और ढोकला। ज्वार के आटे का ढोकला बनेगा, क्योंकि पहले से ऐसे ही बनता है हमारे घर में और देवी के लिए यही पसंद है ऐसा बोला जाता है। तो ये सब बनेगा और दही वगैरह ये सब ले लेंगे, क्योंकि नैवेद्य में दही भी ज़रूरी है, ये सब कुछ चीज़ें लगती है। और दीपक भी नहाकर सारी तैयारी कर ले रहा है, ये दुकान जाकर जो पूजा में सामान लगने वाला है वो सब ले आया है और सब कुछ ले रहा है। वहाँ पर सब तैयारी थैले में डालकर ले रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर मंदिर है, तो बाइक पर जाएंगे हम, तो इसीलिए। तो अरहर की दाल पक चुकी है, यहाँ पर मैं फटाफट से तड़का लगा दूँगी, फीकी दाल बनेगी। तो इसमें हल्दी और नमक डालकर मैं इस तरह से मिला दे रही हूँ, और इधर चावल भी रख दिए हैं। आज कुकर में चावल नहीं बनाए हैं, इसी तरह से पतीले में रख दिए मैंने, और लहसुन वगैरह छीले हैं। अदरक लहसुन का तड़का लगाऊंगी फीकी दाल में। तो दीपक भी बोल रहा है कि लेट हो जाएगा, इसलिए फटाफट से कर लेते हैं, तो वो भी तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ पर बाती और ऑयल ले रहा है डिब्बे में, क्योंकि दूर जाना है, दूर मंदिर है, तो इसलिए अच्छे से उसे पैक करके ले रहा है, कहीं ऑयल इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए अच्छे से पैक करके ले रहा है। और मैं यहाँ पर फीकी दाल को तड़का लगा रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर ऑयल ले लिया है पतीले में। अब हमें इसमें डालूंगी राई और जीरा। तो राई और जीरा झटकने के बाद अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इधर चावल भी पक रहे, तो ये देखिए ये दाल मैंने डाल दी इसके अंदर, बस तैयार हो चुकी है फीकी दाल। अब फटाफट से ढोकला भी बना लेते हैं। तो ये सब कुछ मैं सामान इधर का उधर रख दिया है हड़बड़ी में, तो सब जहाँ था वहीं रख दिया है फिर से। और ये दाल निकाल कर नीचे रख देते हैं, क्योंकि दाल में उबाल आ चुकी है। तो इधर चावल भी पक चुके हैं, अब फटाफट से ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर पानी रख देती हूँ मैं। तो आधी कढ़ाई पानी रख दी है, इसमें उबाल आने तक इसी तरह से रख देंगे। और यहाँ पर ज्वार का आटा मैंने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये ढोकला ना ऐसे भी अच्छी लगती है, ढोकली कभी भी आप बना सकते हो, सुबह नाश्ते में बना सकते हो, रात में बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। वैसे गेहूं के आटे की ज़्यादातर बनाते हैं, मगर देवी के लिए ज्वार के आटे की बनती है, तो इसलिए ज्वार का आटा ले लिया है। ये देखिए आटा मैंने नमक डालकर इस तरह से गून लिया है। तो पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुकी है, अब फटाफट से छोटे छोटे से इस तरह से ढोकली बना लेते हैं और इसके अंदर छोड़ते जाएंगे। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, बस इस तरह से छोटे छोटे से बनाकर इस तरह से इस उबलते हुए पानी में हमें इसे डाल देना है।
तो इसी तरह से मैं बनाते हुए इसके अंदर छोड़ते जा रही हूँ। और इस आषाढ़ी महीने का लास्ट मंगलवार है, फिर इसके बाद में ना श्रावण महीना शुरू हो जाएगा। श्रावण महीने के पहले ही हमें देवी को इस तरह से नैवेद्य बनाना होता है। तो इस तरह से मैंने इतनी सारी ढोकली बना दी है, इसे एक बार मिलाकर इसे ढककर रख देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। और ये अभी थोड़ा सा आटा है तो इसके भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो हमारी ढोकली बनकर रेडी है, फीकी दाल बनकर भी तैयार है और उधर चावल भी बनकर तैयार है। अब फटाफट से ये बना लेती हूँ मैं मट्ठा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ज्वार का आटा इस तरह से मिला लिया, इसका घोल तैयार कर लिया है और इसे पकने के लिए रख देते हैं। मिलाते हुए इसमें गुठली बन जाती है तो इस तरह से मिलाते हुए इसे पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है, इसे ठंडा कर लेते हैं। और ये ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर छाछ ले ली है मैंने, छाछ में ये आटा हमें डाल देना है जो पका हुआ है। फिर बाद में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नैवेद्य में। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। बस तैयार है हमारा मट्ठा। अब फटाफट से यहाँ पर घर में पहले भोग लगा लेती हूँ मैं। तो ये ढोकली मैंने ले ली है और इधर ही चावल और फीकी दाल भी इसी के ऊपर लगा लेती हूँ। अगर यहाँ पर गाय आ चुकी हुए तो उसे भी नैवेद्य दे देंगे, अगर नहीं आए तो बाद में दे दूँगी, आने के बाद मंदिर से जब मैं लौट आऊँगी फिर दे दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी शायद गाय आई नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले मैं घर में भगवान को भोग लगा लेती हूँ। अब मैं मंदिर के लिए नैवेद्य पैक कर लेती हूँ टिफिन में, क्योंकि दूर जाना है, थाली में ले लूँगी तो हमें जाने नहीं आएगा बाइक के ऊपर कैसे बैठूँ लेके, तो इसीलिए इस तरह से टिफिन में मैं ले रही हूँ सब कुछ। तो आप सोचते होंगे कैसा नैवेद्य मैंने बनाया है, ऐसा ही बनाते हैं जो मरई देवी थे उनके लिए यही बना। तो सारा नैवेद्य मैंने इस डब्बे में ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है जो गोदी भरनी है देवी की, उसके लिए यहाँ पर हरी ब्लाउज पीस है, हरी चूड़ियाँ और एक गेहूँ है और छुआरे, बादाम, हल्दी, ये सब कुछ ले लिया है जो जो हमें गोदी में भरना है, ये सब कुछ ले लिया है। और थोड़ा सा प्याज, आटा, दाल वगैरह सब ले लिया है। और यहाँ पर बॉटल में पानी ले लिया है और लोटा खाली ले लिया है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं उसमें पानी भर दूँगी। सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। अब सुबह के 9:15 बज रहे, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है तो आते आते लेट ही हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवा है और हम आ चुके हैं मंदिर। और बाहर बहुत सारे लोग थे इसीलिए बाहर का नज़ारा कुछ दिखाया नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है मगर थोड़े से लोग थे तो इसलिए नहीं दिखाया। और मैं यहाँ पर अंदर पूजा कर रही हूँ तो देवी के दर्शन आप भी ले लीजिए। मंदिर से अभी भी आई और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मुझे लगा था कि बहुत सारी भीड़ होगी मगर नहीं थे, तो थोड़े से लोग थे। तो फटाफट से मैंने वहाँ पर भोग लगाकर दर्शन करके आ चुकी हूँ मैं। अभी किसी ने कुछ नहीं खाया है, अब सुबह के 11 बज गए। तो दिनेश के पापा आने के बाद सबने हमने खाना खा लिया है और मैं आ चुकी हूँ छत पर, थोड़ी देर यहीं पर घूम लूँगी। और ये है सिंटेक्स जो ख़राब हो चुका है हवा के कारण, ये नीचे गिर के टूट चुका है। तो दीपक ने क्या किया है, इसे अंदर से बीच में से कट लगा दिया है, क्योंकि ये बोल रहा है इसमें मैं पेड़ लगाऊंगा। मैं तो इसे भंगार में बेचने वाली थी मगर दीपक बोल रहा है हम इसे बेचेंगे नहीं मम्मी, इसमें कोई ना कोई पेड़ लगा लेंगे, बहुत अच्छे से आता है, तो इसलिए इस तरह से कट करके इसने यहाँ पर नीचे ईंटें रख के फिर रख दिया है उसके ऊपर। और बोल रहा है इसमें मैं अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। तो ये देखिए इस तरह से रख दिया। अब इसमें मिट्टी ले आया है आधी बोरी और इसमें डाल दे रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा सिंटेक्स है, तो ये मिट्टी ना बिल्कुल इसके तले में नीचे ही जाकर बैठी है, बिल्कुल एक कटोरी जैसी लग रही है, इसके अंदर आधी बोरी मिट्टी है ये। खाना पीना हो गया,
ऊपर आए थे छत पर, अभी बर्तन जो ऐसे रखी है अब बैठे थे 3:30 बज रहे, तो थोड़ा सा धूप नहीं है तो उठने के लिए थोड़ी देर, और अब चलते हैं नीचे क्योंकि बर्तन रखाई हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बर्तन आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो ऊपर आ चुकी हूँ, तो अच्छा लगा थोड़ा सा, अब चलते हैं नीचे फिर से लग जाते हैं उसी काम में। अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं, तो मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोज़ में ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।